हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नौशीन और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरी होने वाली है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है जो पैसे खर्च नहीं करना चाहते या जिनकी पैसे खर्च करने का बजट नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी है क्योंकि आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 10 या 20 रुपये के अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं होने वाले। 10 से 20 रुपये के अंदर अंदर ही आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे हैं वो प्रोडक्ट मैं अपने चेहरे पे यूज़ करके भी बताऊंगी आपको। कुछ मेकअप प्रोडक्ट है, कुछ जो है मतलब ज्वेलरी भी है, सब कुछ बताऊँगी जो मैंने खरीदा है। तो उससे पहले कि वीडियो मैं स्टार्ट करूँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक या डिसलाइक दोनों आप करें। आपको मैं अच्छी लगूँ तो भी बताना, नहीं अच्छी लगूँ तो भी बताना। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो। अगर मैं वीडियो बनाऊँगी उनको भी शेयर कीजिएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ ना, सॉरी। बैकग्राउंड साउंड का थोड़ा वो मैं क्या कर सकती हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी ही चाहती हूँ आपसे। तो आज मैं बताना जा रही हूँ आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैंने अभी फेस पर कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको अपने फेस पे यूज़ करके बताऊँगी। और मैंने अपनी थ्रेडिंग करवा ली है और करवाई नहीं ली है, मैंने खुद ने की है। घर पे कैसे सेल्फ कैसे करते हैं, अगर आप पार्लर नहीं जा सकते हो तो कैसे करते हैं, वो भी मैं आज आपको बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ कॉमेंट में बताना कि मैं आज कैसी लग रही हूँ और जो मेरा लुक बनेगा 20-20 रुपये 10-10 रुपये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद, वो भी बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने ये 10 रुपये की स्पिंज बीबी क्रीम ली है, जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते बीबी क्रीम खरीदने के लिए, क्योंकि नॉर्मली बीबी क्रीम 50-60 से ऊपर की ही आती है। ये स्पिंज बीबी क्रीम 10 रुपये मुझे मिली है तो मैंने इसको ले लिया। और अब मैं दिखाना चाहती हूँ इसका टेक्स्चर क्या है। और अभी मुझे अच्छी लगी 10 रुपये में, यार क्या ही लोगे। बीबी क्रीम स्मेल इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ भी है, तो मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगी। और मैं हमेशा बैग से ही रिकॉर्ड करती हूँ। और ये 10 रुपये में मुझे दोनों ही 10-10 रुपये में मुझे फेस वॉश मिले। अगर आप लेना चाहते हो उस ट्रायल के लिए कि आपके सूट करेगा कि नहीं। अगला जो है बीबी टॉल्क है, जो जैसे कोई फेस पाउडर या कुछ खरीद नहीं सकता, मतलब महंगे ही होते हैं यार सारी चीज़ें, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये ऐसा मुझे तो पहला ही ऐसा लगा कि स्पिंज की तरफ से 10 रुपये में बीबी पाउडर आ रहा है और अच्छा है। ये येलोइस्ट ग्लो देता है चेहरे पे, अच्छा इफेक्ट उसने दिया है मेरे, मुझे तो अच्छा लगा पर्सनली। और इसकी जो स्मेल है ना, दोनों की ही मुझे अच्छी लगी, 10-10 रुपये में बेहतर है इनकी। नेक्स्ट मेरे पास प्रोडक्ट है, ये 20-30-40 रुपये का नहीं है, ये मुझे 70 में मिला, कि नॉर्मल सी बात है यार। आप आई शेडो पैलेट खरीद रहे हो तो 70 रुपये में ये आई शेडो पैलेट मुझे मिला है। और इसमें साथ में आपको देखो एक ब्रश भी मिला है, इसमें 18 कलर है और सारे ही कलर पिगमेंटेड है बहुत ज़्यादा। अब देखोगे मैं सारी ही चीज़ों को अपने फेस पे यूज़ करके आपको अच्छे से बताऊंगी। अभी मैंने अपना खुद का पर्सनल ब्रश ले लिया है ताकि मैं अच्छे से कलर को आईशैडो को आईज़ पे अच्छे से ब्लेंड कर सकूं। तो मैं अच्छे से पिंक शेड में ले रही हूँ और मैं वीडियो में अच्छे से बता भी दूंगी कि मैंने क्या लिया है, क्या मतलब कौन सा कलर मैंने पिक किया है और मैं आईज़ पे इसको अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से। और मैंने आप ये देख सकते हो मेरी आईज़ पे साफ आपको नज़र आ रहा है कि मैंने थोड़ा सा ही आई शेडो पिक किया था और ये देखो कितना अच्छा इसने कलर दिया है। तो आप देख सकते हो कितना पिगमेंटेड है ये। तो मैं ये बोलूँगी कि 70 रुपये में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यार, 70 रुपये में कहाँ 18 कलर मिलते हैं, मुझे ला के दिखा दो, मैं नहीं मानती मिलते हैं। और कुछ लोग बोलेंगे यार बहुत ज़्यादा चीप प्रोडक्ट होते हैं, क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो मैंने आई शेडो कर लिया है, देखो ये अच्छा लग रहा है। मैंने फिर दोबारा वाइट पिक किया था और वाइट मैंने अपने पीच में लगा लिया आईज़ पे ताकि लुक कंप्लीट हो जाए। और अभी मैं पिगमेंटेशन बता रही हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे नेल्स बड़े हुए हैं, तो इस चक्कर में क्या है ना कि कलर मेरे हाथों पे आ ही नहीं रहे तो आपको दिखाई नहीं पा रही, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट ये पिगमेंटेड बहुत ही ज़्यादा है, कोशिश मैं कर रही थी
बट हो ही नहीं पा रहा था यार, मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं। तो वही मैं बोल रही थी ना कि लोग बोलते हैं चीप प्रोडक्ट, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने चेहरे पे यूज़ करके दिखा रही हूँ, चीज़ें अच्छी है। अगला है ये आईलाइनर जो मैंने 30 रुपये में ख़रीदा था, और ये देखो कितना छोटू सा है। जिनके पास क्या होता है ना, पैसे का मम्मी पापा उनके ज़्यादा पैसे नहीं देते, बट वो मेकअप लवर होते हैं, तो वो ये प्रोडक्ट खरीद के सीख भी सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा है, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक ये टिका रहेगा, वो वाटरप्रूफ है, ऐसा मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि यार 20-30 रुपये में आजकल मिलता ही है। चॉकलेट भी नहीं आती डेयरी मिल्क ढंग की, तो 20-30 रुपये में जब आपको आईलाइनर मिल रहा है, मस्कारा मिल रहा है, तो क्या ही खराबी है। एकदम जेट ब्लैक है, मैंने सारी चीज़ें आपको अपने चेहरे पे यूज़ करके बताई है, ताकि आपको ये लगे ना कि मैंने कुछ यूज़ नहीं किया। और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद आई है, मैं इसको देती हूँ 10/10। मेरे लिए बहुत बेस्ट था, बहुत हैंडी था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने विंग लाइनर अप्लाई किया है, ये आप देख सकते हो अच्छे से, मैं चेहरा अपना क्लोज ला के कैमरे के पास दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले। अगला जो है ये है मस्कारा, और इनके कोई ब्रांड्स होते नहीं है, तो फिर भी मैं बता रही हूँ आपको कि ये मस्कारा है। और मैं बार बार मैं पैलेट को खोल रही हूँ, इसमें मिरर लगा हुआ है, तो मैं ताकि मैं अच्छे से सारी चीज़ें अप्लाई कर सकूँ ना, क्योंकि ये कैमरा में इतना क्लियरली दिखता नहीं है, और मुँह तो पूरा कैमरा में घुसेड़ नहीं सकती मैं तो। और मेरी लाइटिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा बड़ी तो यूट्यूबर हूँ नहीं कि रिंग लाइट वगैरह लेके आ सकूँ। तो ये मैं इसका बोलूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये पर्सनली। 20 रुपये का मस्कारा है, और 20 रुपये में मस्कारा मिलता ही नहीं है, और फिर आपको इतने अच्छे आईलैश बना देंगे, आप देखोगे कि फ़र्क लग रहा है, उतना नहीं लगेगा आपको लेकिन लगेगा। बाकी कहाँ 100 रुपये से परे परे ही आते हैं सारे, और वो भी इतने अच्छे नहीं होते, तो 20 रुपये में मुझे काफ़ी बेटर लगा। फिर अब सुखा ले रही हूँ मैं। उसके बाद 10 रुपये में ऐसी मैंने क्रीम पिक की थी जो आप मेकअप से पहले लगा सकते हो। तो अगला जो प्रोडक्ट है वो है काजल, ये मैंने 20 रुपये में लिया था। काजल मैं यूज़ करती नहीं हूँ, फिर भी मैंने लिया ताकि मैं मेकअप वीडियो जो बनाऊँ उसमें काम आ जाए। तो इसकी क्वांटिटी मैं आपको दिखा रही हूँ, अच्छी खासी है, और ये भी जेट ब्लैक है। तो अभी मैं आपको आईज़ पे अप्लाई करके दिखाऊंगी, तो देख लीजिएगा कि कैसा है ये। 20 रुपये का काजल, मैं ये नहीं बोलूँगी ये वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, मैं ऐसा नहीं कह सकती, क्या पता हो भी कि नहीं हो, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा लुक देता है। कम से कम 3 से 4 घंटे तो टिका ही रहेगा यार, इतना तो काफ़ी ही है कहीं आप जा रहे हो तो। उसके बाद मैं आईने आईलैश लिया था, और ये तो 20 रुपये में मुझे मिला, और सबको ही मिल जाता है, बट मैं इसको आज नहीं लगा रही हूँ, मैं कभी और लगाऊंगी। उसके बाद मैंने प्लकर लिया था जो आईब्रो के लिए काम आते हैं। उसके बाद मैंने ये लिप लाइनर ली है, लिप पेंसिल, और अभी मैं इसको यूज़ करके बताऊंगी, इसकी पिगमेंटेशन आपको बताऊंगी कि कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। मुझे तो बहुत पसंद आई यार, 20 रुपये में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे मिल गई, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि इतनी सस्ती चीज़ें मैंने ले कैसे ली, और बहुत ही अच्छे से ये अप्लाई हो रही थी, मुझे रगड़ना भी नहीं पड़ रहा था, ना मुझे कोई दिक्कत हो रही थी। और मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से अप्लाई करके दिखा रही हूँ, ताकि आपके लिए भी आसानी रहे और आपको कोई दिक्कत ना हो। और बहुत से लोग ये कमेंट कर देते हैं कि आपने अपने चेहरे पे तो ये किया ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें अच्छी चीज़ें नहीं होती। जो तो जितना 20-30 में मिल सकता है उतनी चीज़ें ये अच्छी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वीडियो में आपको बता भी रही हूँ, देखो कि धीरे धीरे मेरा लुक बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और ये 20 रुपये में मैंने लिपस्टिक ली थी, मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, तो मैंने ले ली। और इसका कलर आप गाइस ट्रस्ट नहीं करोगे यार, यार बहुत ही ज़्यादा मुझे तो पसंद आई पर्सनली। अभी मैं वापस अपने कांच में देख के इसको लगा लूँगी, और उसके बाद आप मेरा लुक देखना, मैं तो बड़ी ही अच्छी लगने वाली हूँ। मुझे तो खुद पे ही प्यार आ रहा था
कि यार मैं कैसे इतनी अच्छी लग सकती हूँ। ये तो हो गया मेरा मजाक जो कि हर वीडियो में होता है, तो आप देख सकते हो कलर। और मुझे पर्सनली ये लिपस्टिक देखते ही पसंद आ गई थी, मतलब इसका कलर मुझे अच्छा लगा था, तब मैंने इसको लिया तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी, उसके बाद मैंने लिया है लिप ग्लॉस, और ये मैंने 30 रुपये में लिया है। ये अच्छी क्वालिटी का है, इसका मैं गारंटी देती हूँ अच्छी क्वालिटी का है, और मैं लगा ले रही हूँ ताकि मेरे लिप्स ग्लोसी ग्लोसी से लगे और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगूँ और एक बोल्ड मेकअप लुक क्रिएट हो जाए। मैंने और कोई मेकअप फेस पे तो कुछ नहीं मैंने किया, जो भी किया है आपके सामने ही किया है, और मैं जूम करके भी चीज़ें दिखा रही हूँ, अब पता नहीं चलता ना। उसके बाद जो मैंने लिया है ये ज्वेलरी में है, ये मुझे दिखा 20 रुपये में। एक माला है और इसके साथ छोटे छोटे ईयरिंग्स हैं। यार 20 रुपये में एक माला और ईयरिंग्स, मुझे तो खुद पर ही ट्रस्ट नहीं हुआ, देखते हैं कि मिल सकते हैं। मैंने सोचा ले लेते हैं, एक मेकअप लुक क्रिएट हो सकता है। आप अगर वाइट कुर्ती पहन रहे हो या वाइट आपने सूट पहना है तो ये उस पर बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं थोड़े फालतू काम करूँगी, मतलब मैं सोच रही थी वो ऐसे पहन सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे चाहे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मेरी पागलपंती चालू हो गई, जो कि यार मेरा बचपना कभी कभी निकल जाता है, जो कि इसमें निकल रहा है। तो आप देख सकते हो अच्छा लग रहा है ना इसे भी। तो मैं अगली बार कोई भी मैं वीडियो अगर बनाऊँगी तो इसको मैं ज़रूर यूज़ में लूँगी, तो आप देखना इसको कि कितनी अच्छी लगती है। मैंने सोचा कि चलो आपके लिए मैं पहन ही लेती हूँ, दिखा देती हूँ आप लोगों को कि कितनी सुंदर लग रही है। सोचिए ये 10 रुपये की हुई, 10 रुपये की ईयरिंग्स हो गए, लग रही है ना अच्छी। अगला जो मैंने लिया था ये हेयर बैंड्स, मतलब हेयर रबर लिए से, मैंने रबर लिए थे। तो उसके बाद मैंने ये 10 रुपये का लिया था, ये मुझे देख के ही पसंद आ गया था। मैंने सोचा इस पर एक मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये पॉनीटेल बना रखी है, तो ये मेरे फिक्स नहीं हो रहा, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत फिक्स करके आपको दिखा ही दिया है। ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर, मुझे पर्सनली पसंद आ गया तो मैंने ले लिया, और कर भी कह सकते ले लेते। और ये मैंने 20 रुपये में लिया था। जब भी हम जूड़ा बनाते हैं, ट्रेडिशनल लुक बनाऊँगी, तब आपको ज़रूर मैं अपने अगले वीडियो में बताऊँगी कि कैसा है ये। तो मुझे अच्छी लगी सारी चीज़ें, तो मैंने आपको चीज़ें दिखा दी। और नेक्स्ट जो मैंने लिया, नहीं मैंने एक सॉरी मैंने वो लिया था नेल पेंट रिमूवर लिया था, वो मैं दिखाना भूल गई। चलो खैर कोई नहीं, अब मैं इसी से ना अपना ब्लश कर लूँगी। मैं आपको बता रही हूँ कि इससे हम ब्लश भी कर सकते हैं, यार मैंने पहले बताया ही नहीं। अपना मेकअप लुक भी आप कंप्लीट कर सकते हो, और कितने सुंदर लगोगे जब आप सस्ते में ही महंगा मेकअप करोगे। तो बस मैं अपना ब्लश कर ले रही हूँ ताकि मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो जाए। बेस तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया, आपने खुद ने देखा है, मैंने बीबी क्रीम भी यूज़ नहीं किया चेहरे पे, कोई भी मैंने क्रीम अप्लाई नहीं की है, केवल अपने ऑयल्स ऑयल के अलावा मैं चेहरे पे ऑयल लगाती हूँ अपना लुक्स का। तो चलिए ये मेरा वीडियो था, तो प्लीज़ प्लीज़ अपने चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बाय।